लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में आरक्षण को लेकर सियासी घमासान शुरू। बीजेपी और राजद के बीच वार पलटवार शुरू। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लेकर दिया बड़ा बयान। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। कहा बीजेपी विशुद्ध रूप से आरक्षण विरोधी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाए कई आरोप। चाहे दलित हो या आदिवासी हो, हम लोगों ने जाति आधारित जनता के बाद जो है आरक्षण की सीमाएं को बढ़ाया है, 75% किया है। ये काम क्यों नहीं अमित शाह बोलते हैं? और जब हम लोगों ने कहा कि शेड्यूल 9 में डालो तो कहीं नहीं डाल रहे भाई शेड्यूल 9 में। ये लोग झूठे लोग हैं। इन लोगों ने केवल झूठ की खेती की है अब तक, और देश के लोग समझ चुके हैं इनको, और इस बार तभी ना हालत खराब है। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 मई से हो गई शुरू। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया नामांकन। नामांकन के पहले दिन राष्ट्रीय जनजन पार्टी के आशुतोष कुमार सहित 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा किया दाखिल। बीएसपी के अरुण कुमार भी लाइन में। भूमिहार नेताओं की एंट्री से जदयू के चंद्रशेखर चंद्रवंशी की बढ़ सकती है मुश्किलें। आज 7 तारीख से जिला जहानाबाद में जो 36 जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है उसमें नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और पहले दिन 5 नामांकन भरे गए हैं, और सभी तरह की जो विधि व्यवस्था से संबंधित सुविधाएं हैं वो हम लोग प्रदान कर रहे हैं। बैरिकेडिंग वगैरह प्रॉपर कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से सीपीआई माले के प्रत्याशी राजा राम सिंह ने नामांकन पर्चा किया दाखिल। इंडी गठबंधन की जीत को लेकर कर दिया बड़ा दावा। लोकसभा का यह चुनाव पूरा का पूरा विशेष चुनाव है, क्योंकि देश में संविधान लोकतंत्र का सवाल है, और देश की जनता इस बार संविधान को किसी भी कीमत पर ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है। कुछ ताकतें साजिश कर रही हैं संविधान के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ, तो ये चुनाव सबसे पहला एजेंडा तो ये है। पटना के बेउर जेल से 15 दिन से पैरोल पर बाहर आए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। अनंत सिंह की रेगुलर जमानत याचिका को कर दिया गया खारिज। बिहार जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने अपने ही गठबंधन के खिलाफ दे दिया बयान। कहा इस बार बिहार में एनडीए 40 सीटें नहीं जीत पाएगी। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव घट गया है। एनडीए गठबंधन बिहार में 40 नहीं बल्कि 30 से 32 सीटें ही जीतेगी। देखिए भाई, सत्ता में तो अभी जैसा लगता है नरेंद्र मोदी, लेकिन इनका भी भाव घटा है। इनका भाव, नरेंद्र मोदी का भाव घटा है। हम सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते नहीं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 32 सीट लाएगा। हम इशारे इशारे में बोल दिए नरेंद्र मोदी का कुछ भाव घटा है।